हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस यार, आज अच्छी खासी स्नोफॉल हो चुकी है, तो मैं सोच रहा था हम जाएंगे वो जो वाला ऊपर में आपको टॉप दिख रहा है उस पर, तो वही मैं सोच रहा था। मैंने बोला थोड़ा बहुत व्लॉग भी बनाया जाए, तो निकलता हूँ मैं अपने घर से, तो मिलता हूँ आपको आधे रास्ते में, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो कोई ऐसा सीन है नहीं जो आपको मैं दिखा पाऊँ इसमें। तो जैसे वहाँ पर पहुँच के तो मिलता हूँ मैं वहाँ इस पर आप। और शिद्दत के बाद अभी हम इस टॉप पर पहुँचे, तो देख सकते हैं कितनी हाइट पर, ये पूरा एक घंटा लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने, और मैं और एक शास्त्र भाई हम दो ही पहुँचे अभी यहाँ पे। तो दूसरे वाले बंदे वो भी आ रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। वो देखो पीछे वाले, मैं अब आपकी बैक कैमरा दिखाता हूँ। एक बंदा पहुँचा है जस भाई, और दूसरे चल रहे हैं, एक वो जो है सबसे लास्ट पे, और ये अकरम भाई सामने में, और देख सकते हैं कितनी हाइट में। वो वाला जो दिख रहा है आपको वो सामने में, वही वाला हमारा गांव है, वहाँ से हम यहाँ तक आए, और कितनी हाइट में अभी देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसा एडवेंचर आपका? अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम सिर्फ यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी दूसरा वाला जो वो टॉप दिख रहा है वहाँ पे छोटे छोटे, अभी मैं ज़ूम कर थोड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ वो ऊपर जहाँ तार दिख रही है वहाँ तक हमें जाना है। उसको दिखा दे भाई को यार। एक हमारा भाई मज़ूम होकर यहाँ तक पहुँचा है बड़ी मुश्किल से। बर्फ बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हिसाब से हमें दो दिन लगेंगे। अभी बड़ी मुश्किल और शिद्दत के बाद अभी पहुंचे इस वाले टॉप पे, नेक्स्ट टॉप। अभी हमें रह गया जो आपको सामने में दिख रहा है वो ऊपर में टॉप, वहाँ पे जाना है। हालत ख़राब हो चुकी है, अगर आप नोट्स कर रहे होंगे तो हमारे पैर खत्म, इतनी सर्दी। गाइस, कुछ ही मिनटों में हम वहाँ पे वो टॉप ही क्रॉस कर लेंगे। तो सुन लिया आपने, मैक्सिमम आधा घंटा हमें वहाँ ऊपर तक लग जाएगा। तो सर्दी की बात करें, पैरों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। वैसे अगर यहाँ की बात करें मतलब अंदर की जिस्म की, तो बहुत गर्मी आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गर्मी मुझे अभी आ रही है, लेकिन सर्दी सिर्फ पैरों में लग चुकी है अभी बहुत ज़्यादा। अभी हम रहेंगे यहाँ पीछे, अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पीछे में कहाँ से हम आए, मुझे लगता है कम पूरे 2-3 घंटे हो गए हम अच्छे से पैदल चल रहे हैं इस बर्फ़ में। ऊपर से बर्फ़ कितनी ज़्यादा है ये देख सकते हो आप। चलो चलते हैं ऊपर टॉप पे, तो मिलते हैं आपसे वहीं पे। मुश्किल हो रहा है चलना। गाइस क्या कह सकते हैं आप, अभी भी कम से कम 15 मिनट का रास्ता है पर पहुंचने में, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। चलो चल चल लेट चल। ये एक बंदा कर रहा है वाइफ से बात, क्योंकि इसके पास है, हम गरीब क्या करें, कुछ तो है नहीं साथ में। अभी कम ही रह गया, अभी आप नोट्स करेंगे तो ये कुछ दो तार लगी वहाँ तक हमें जाना है, तो कर ले लीड उम्र पहुँचने की, थक चुके हमें, एक घंटा हो गया चलते चलते। तो फाइनली गाइस, बड़ी मुश्किल के साथ हम यहाँ पे पहुँचे, लेकिन क्या बताएं कितनी सर्दी पैरों में लग गई, और नहीं वो तो वैसे ठीक है। अभी आप नोट्स करेंगे हम कहाँ से आए, वो जो नीचे में आपको गांव दिख रहा है वहीं से हम आए, फिर वहाँ जो नीचे में टॉप दिख रहा है वहाँ तक, उसके बाद फिर इस टॉप पे, उसके बाद सीधा फिर यहाँ पे, जैसे ये बॉर्डर दिख रही है आपको। तो हमारे दूसरे वाले बंदे वो पहुँच चुके हैं वहाँ ऊपर, मैं पहले सोच रहा था ये जहाँ पे तार है वहीं पे टॉप है, लेकिन नहीं, इससे ऊपर भी हमें पहुँच जाना है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है,
फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर टॉप पे। तो इस देखिए ये हो गया दूसरा वाला गांव जो टॉप के ऊपर है। हम बहुत ज़्यादा हिल रहे यहाँ पे, तो वो जो पीछे में दिख रहे हैं तो वो हो गया हमारा गांव। तो वहाँ से सीधा हम यहाँ पे आए और ये जो नीचे गांव देख रहे हैं इसका नाम है वंतराग। तो अब पहुँच चुके यहाँ पे, अब देखते हैं इस साइड में जाना है। कितनी ज़्यादा हाइट में हम। कश्मीर की एक बात है, विंटर हो या समर एडवेंचर तो दोनों टाइम में होता है, चाहे विंटर हो समर, हम दोनों टाइम यहाँ पे आते हैं, पार्टी वगैरह यहाँ पे एंजॉय वगैरह करते हैं हर टाइम, विंटर में भी आते हैं और समर में भी। ये हो गया हमारे कुछ फ्रेंड वगैरह जो हमारे साथ में से टीम मेंबर। कैसा फील हो रहा है अक्रम? बहुत मजा है भाई। अच्छा दिल भाग हो चुका है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जैसे हम यहाँ पहुँचे, अभी थोड़ा टाइम बैठेंगे यहाँ पे क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और अगर पैरों की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई। देखो क्या करें अभी यहाँ पे, जूता पहन रहे हैं बर्फ में बैठ के, मज़ा आ रहा है। चलो सर क्या जाने जाफर क्या छू। क्या है वो जो वाला आपको टॉप दिख रहा है वहाँ से सीधा यहाँ तक। और अगर यहाँ पे अभी नोट्स कर रहे होंगे बर्फ इतनी ज़्यादा है कि मैं पूरा अंदर जा रहा हूँ बर्फ़ के अंदर, देख सकते हैं आप। बड़ी मुश्किल से आ रहा है उतरा हूँ नीचे, और जो हमारे बंदे थे आगे वो निकल चुके हैं बहुत आगे, हमने उनको आगे छोड़ा, हमने बोला आप आगे जाओ तो हम पीछे पीछे आते हैं। अभी हमें जाना है जो वो वाले पेड़ है उनके उस साइड में, तो वहाँ पर कुछ वीडियो और फोटो क्लिक करेंगे। तो उसके बाद सीधा फिर वहाँ से जो वाला रास्ता दिख रहा है वहाँ से जो सीधी रोड जाती है हमारे गांव की तरफ, वहाँ से कम मेरे हिसाब से कोई 1 किलोमीटर होगा हमारा घर दूर। तो देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है। कैसा फील हो रहा है रायल भाई? भाई बहुत बढ़िया फील हो रहा है, पांव पूरा ख़त्म हो चुका है गर्मी के साथ, देख सकते हो आप। तो गाइस यार बड़ी मुश्किल के साथ पहुँचे यहाँ पे इस पूरे टॉप पे, अभी निकाल रहे हैं पैरों को बाहर। और अब सोच रहे हो इसने ये क्यों पहना है, क्योंकि सर्दी कानों में बहुत ज़्यादा लगी थी और पैरों में। उफ तो देखो यहाँ का व्यू कि हमारे साथ अक्रम भाई और राहुल भाई। अक्रम भाई हाँ भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त यार, लेकिन बहुत सर्दी लग चुकी है। एडवेंचर कैसा रहा यहाँ पे? तो अच्छा तो इनको ज़्यादा बहुत जल्दी है घर जाने की, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम घर बहुत जल्दी जाएंगे क्योंकि घर वाले वेट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ काम वगैरह पड़ा हुआ है पेंडिंग। तो देखते हैं आगे प्रोसेस रहता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है और पीछे से धुंध वगैरह बहुत बढ़ चुकी है। देखो इनको तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहता है। तो पहले निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपने ब्लॉग में सब कुछ देख लिया होगा, अभी हम यहाँ पे इस वाले टॉप पे, अभी हमें वो वाला जो आपको दिख रहा है टॉप वहाँ से नीचे उतरना है हमारे गांव की तरफ। तो अब यहाँ से आगे मैं ब्लॉग करता लेकिन मेरे मोबाइल में हो चुकी है बैटरी एंड, क्योंकि रात को पावर नहीं था। तो अगर मेरा वीडियो किसी से रीज़न से भी आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना, और हाँ सब्सक्राइब भी करके जाना, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग करने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।